बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी एंड कुकिंग टुगेदर। आज मैं आपको पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही लजीज बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स: बोनलेस चिकन चाहिए हमें, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज एंड टमाटर वो भी बारीक कटे हुए, ऑयल हसब ज़रूरत, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। हमें एक पैन में ऑयल लेना है और बोनलेस चिकन को इसमें डाल के फ्राई करना है। हमने इसमें डाल दिया है बोनलेस चिकन, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना आपने। अब हमने इसमें सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। अब हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। इसमें हमने एक चुटकी हल्दी ऐड करनी है, पिंच ऑफ टर्मेरिक। अब इसका पानी खुश हो चुका है तो हम इसमें शिमला मिर्च और अनियंस मींस प्याज जो है उसको ऐड करेंगे, जो हमने बारीक काटी हुई थी। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। इसको हमने बस सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं, पेपरिका पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चिकन टिक्का मसाला को भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। हमारी जो टॉपिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने डो लेना है जो हमने पहले से ही तैयार कर लिया है। अगर आपको डो की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लें। अब हमने इस डो को बेल लेना है, अच्छे से इसको आपने बेलना है। हमारा जो डो है वो करीबन रेडी हो चुका है। अब हमने ट्रे को ग्रीस करना है, यानी ऑयल लगाना है ट्रे को। अब इस डो को हमने उसमें उस ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र कर लिया है, अब हम इसको सेट करेंगे। अच्छे से आप इसको सेट कर लें, ताकि जो पिज़्ज़ा का शेप है वो बहुत मज़े का बने। अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करना है। मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड नहीं कर रही, मैं केचप एंड चिली सॉस जो है उसको मिक्स करके लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केचप लगा लें या चिली सॉस लगा लें। यही थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो इंसान ख़ुद कर सकता है घर पर। अब हमने इस पर चीज़ लगाना है, और जो हमने टमाटर काटे थे उसको हमने ऐड कर देना है। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना, 7-8 पीसेस ही डालने हैं इस पर। और जो टॉपिंग हमने तैयार की हुई है अब हम वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे पूरे पिज्ज़ा पे। जहाँ जहाँ से आपको कम लगे वहीं पे आप ऐड कर दीजिए। अब हमने इस पे चीज़ लगाना है। मैं श्रेडेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सी पे। जो शिमला मिर्च हमने बचा के रखे थे अब हम उससे गार्निशिंग करेंगे और इसको ओवन में रख देंगे 20 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सी पे। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है।
अब मैं आपको काट के बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ कि कितने मज़े का बना है। आप चेक करें, मेरा तो खाने को दिल कर रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पिज्ज़ा कैसा बना, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।